सामाजिक एसोसिएशन आजमगढ़ के संगठन के बैनर तले सभी ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय जायसवाल ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर के हक की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे संगठन की मांग है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर सेवा दे रहे हैं, इन्हें सरकार 6 महीने का प्रशिक्षण दे और इन्हें एक सफल डॉक्टर का दर्जा दे। प्राथमिक उपचार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ही डॉक्टर लोगों को जीवन रक्षा कवच दे रहे हैं। एक लिए बने रहिए हमारे साथ, संतोष कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर एनआर शर्मा, पैरामाउंट हॉस्पिटल का मैनेजिंग। मैं ये ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन को एक प्रशिक्षण दे रहा हूँ अपने बारे में कि कैसे किसी बीमारी का इलाज कैसे करना है, उसके बारे में मैं एक प्रशिक्षण दे रहा हूँ। उनको प्रशिक्षित करके उनको प्रमाण पत्र भी दूंगा। मैं डॉक्टर जी आज के जी प्रशिक्षण दे रहा हूँ, प्रशिक्षित कर रहा हूँ ताकि वो जन कल्याण के लिए काम आ सके। लोगों को हमारे द्वारा प्रशिक्षित होके ग्रामीण में जाके अपनी सुविधाओं को दे जाके जी। आज मैंने, चूंकि मैं ओरल सर्जन हूँ, उस बारे में मैंने पेरियोडोंटाइटिस मींस हिंदी में पायरिया के बारे में उन लोगों को बताया है। लक्षण पायरिया के लक्षण मुंह से बदबू आना, ब्रश करते वक्त ब्लड निकलना, ठीक है, और भी कई तरह की समस्याएं होती हैं, दांत का हिल जाना और मसूड़ों का नीचे गिर जाना, उस संबंध में मैंने इन लोगों को प्रशिक्षित किया है और लोगों ने समझा भी है। चिकित्सक समाज ने मेरी बातों को समझा है और समझ के उसका आगे अनुपालन करने का, क्या बोलते हैं उसको, अनुपालन करने का जी अनुसरण करेंगे मेरी बातों। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ शासन प्रशासन के यहाँ या अन्य लोगों के यहाँ पहुँच रही है, इसके लिए धन्यवाद आप। आज के कार्यक्रम ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उनको अच्छे MBBS MD के द्वारा ट्रेनिंग करा करके एक प्रशिक्षण दे करके सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि फर्स्ट एड उपचार कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए ये संगठन हमेशा निरंतर करवाता रहता है। और हमारे संगठन की मेन उद्देश्य है या शासन प्रशासन के द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है, यही ग्रामीण चिकित्सक कोरोना काल के दौरान में जब हायर सेंटर बंद हो गया था, बड़े बड़े चिकित्सक भूमिगत हो गए थे, यही हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई अपने जान की बाजी को लगा करके लोगों का उपचार किए और जाने अधिक बताए, नहीं तो पूरा लाशों का अंबार लग जाता। अब आज शासन प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, हमारी मांग है सरकार से इनको भी एक BSc CSC पे ट्रेनिंग करा करके एक सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि हम लोग मान सम्मान के साथ प्रैक्टिस करें, अपने परिवार का जीविका उपार्जन करें। बिल्कुल शोषण किया जाता है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जितने पेशेंट हैं
₹10 की दवा देने का कार्य हमारे ग्रामीण चिकित्सक करते हैं। रात में 12 बजे किसी के पेट में दर्द हो जाएगा तो पेशेंट जब तक हॉस्पिटल जाएगा तब तक दम तोड़ देगा। तो प्राथमिक उपचार हमारे ग्रामीण चिकित्सक करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हायर सेंटर पे 10 साल 5 साल ट्रेनिंग करके प्रैक्टिस करते हैं, ना कि अननोन जा करके प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे लोगों की भी उनको सोच करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम लोग कहीं डकैती नहीं मार रहे हैं, अपना ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हुए परिवार का जीविका पालन चल रहा है। गरीबों की मदद होती है, जिनके पास पैसे के अभाव में कितने दम तोड़ जाते हैं। आज एक डॉक्टर के ऊपर पूरे जिले में कितने पेशेंट है, शायद अस्पताल नहीं संभाल पाएगा। आज कम से कम ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो है क्षेत्रों में गरीबों का इलाज उपचार दिनों रात मेहनत करते हुए काम करते हैं। और मेरी सरकार से ही हम लोगों का संगठन मांग है कि हम लोगों के सम्मान से जीने का एक अधिकार मिले।